हाय व्यूअर्स, तो आज हम लोग तीसरे पार्ट में देखेंगे नन का प्रयोग। पिछले दो वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था नो, नॉट, और ये पार्ट थ्री है जब हम लोग नन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ठीक है, आइए इसके जितना भी यूज होता है सारे यूजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला यूज है नन आप। इसका प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन, द वर्ब इज इन सिंगुलर नाउन। ये जो नन होता, नन का पहला प्रयोग होता है जब अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, नन ऑफ द वर्क वॉज डन, कोई भी काम नहीं किया गया था। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर वॉज है जो कि सिंगुलर वर्ब है। दूसरा नियम यहां पर देखेंगे हम लोग, जिसे है दूसरा नियम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन जो रेफरिंग कर रहा है किसको, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग, लोगों का समूह को या वस्तुओं का समूह को, उस समय आप प्रयोग कर सकते हैं या तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं या प्लूरल वर्ब के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जानना है हम लोगों को है कि सिंगुलर वर्ब इज ए फॉर्मल इन ब्रिटिश इंग्लिश। सिंगुलर ये है, एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी के अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो नन है, जो नन और वो आपका ये क्या बोलते हैं हम लोग, जो नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या उसका वर्ब हो, कोई वस्तु भी हो, तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉर्मल रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको हम यहां देखेंगे उदाहरण के रूप में। ध्यान दीजिएगा, नॉन ऑफ द टेन इज आर गोइंग टू वाराणसी। यहां पर दोनों वर्बों का प्रयोग करके किया गया है, लेकिन आपको पता है अभी जैसा कि बताया गया है कि इसके लिए फॉर्मल तरीका होता है जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण देखेंगे हम, नॉन ऑफ हिज फैमिली हैज हैव बीन टू कॉलेज, उसका परिवार के कोई भी सदस्य विद्यालय नहीं गया। तो आप यहां पे हम देख रहे हैं कि फैमिली के साथ हम हैज का या दोनों में से किसी को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीके का जब प्रयोग करना है तो फॉर्मल तरीके के लिए हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो अगला यूज होता है नन का, वो यह है कि नन इज आंसर ऑफ हाउ मच हाउ मेनी, अर्थात जब हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मच और हाउ मेनी से, तो जो हमारा आंसर होगा वो नन के रूप में दिया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाउ मच मनी हैव यू गॉट, आंसर है नन। नन मतलब नो मनी, कोई पैसा नहीं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे आप लोग, हाउ मेनी पीपल डिड यू मीट, आपने कितने लोगों से मिला, आंसर है नन, अर्थात नो पीपल, किसी भी व्यक्ति से नहीं। तीसरा एग्जाम्पल है, अब अगला नियम इसका है जो नन का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं, इसमें देखेंगे नन और नो में अंतर सबसे बड़ी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी प्लस स्पोकन इंग्लिश के भी दृष्टिकोण से। तो आइए इसको बारीकी से समझते हैं। नो का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होगा परंतु नन लुप्त रहेगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई हैव नो मनी, तो यहां मनी जो है हमारा क्या है, नाउन है और नाउन के पहले हमारा नो शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखेंगे, आई हैड टोल्ड दैट आई हैड नन, यहां पर नन शब्द का प्रयोग किया गया है और इस नन शब्द के बाद कोई नाउन नहीं है। तो हम नो, नॉट, नन के तीसरे पार्ट में आज हम लोगों ने सीखा है नन का प्रयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर व्यूअर्स, वंस अगेन आई लाइक टू रिकमेंड यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स, दोज हु हैव सब्सक्राइब माय चैनल ऑलरेडी, प्लीज लाइक एंड शेयर इट टू फ्रेंड्स सो दैट दे मे गेट द कमिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कमिंग वीडियो। सो टुडे इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।